काम 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 काम, सारे काम बहुओं को ही करने पड़ते हैं। सफाई भी, शॉपिंग भी, खाना भी, बर्तन भी, झाड़ू भी, पोंछा भी, बच्चों को देखना भी, सास ससुर की सेवा भी, सारे काम बहुओं ने ही ठेका ले रखा है सारे कामों का। हाँ भाई, बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जो दिन भर लगी रहे और ऊपर से सबके ताने भी सुने। बेचारी पूरे दिन लगी रहती है और फिर भी उसे कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। भाई बहू को प्यार से रखो, तभी आपसे प्रेम करेगी, और दिखाओगे आंखें तो वो भी आपको आंखें दिखाएगी। तो मैं ये सब आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बहुओं के मन में कुछ ऐसा ही होता है। मैं भी बहू हूँ, आप भी शायद बहू होंगी, तो यही लगा रहता है कि हम बहुत काम करते हैं या फिर हमने कभी इतना काम मायके में नहीं किया, यहाँ करना पड़ रहा है। तो भाई मायका तो मायका है और ससुराल ससुराल है, और समझो तुम ससुराल भी मायका जैसा भी है, क्योंकि जब आप उसे अपना घर समझोगे तो वो मायका ही है। तो मेरा तो मैं इसलिए आपसे ये कह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे कहती रहती है यार कि तू कितना काम करती है, तेरा घर है या कारखाना, कभी काम ही नहीं ख़त्म होता। क्योंकि मुझे मैं बहुत कम घूमने जाती हूँ, तो मुश्किल ही होता है जाना क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। इसलिए वो मुझसे बोलती है यार तू नहीं आ पाएगी कभी रहने दे। तो इसलिए वो यही बात मुझसे बोलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये मैं बना रही हूँ रोटियाँ घर के लिए, ये मेरा नहाने से पहले का वीडियो है। तो प्लीज़ मैं सभी बहनों से निवेदन करूँगी कि हर चीज़ को नेगेटिव ना लें। 100% में से 50% ससुराल ऐसी होती है जो मायके जैसा प्यार मिलता है, और 50% मैं मानती हूँ कि वो प्यार नहीं मिल पाता जो हमें मायके में मिलता है। अब जो है जैसा है, घर है हमारा और हम ही को देखना है, तो ना तो खुद नेगेटिव बने और ना ही घर वालों को नेगेटिव लें। मैं मानती हूँ घर में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि करने के बाद भी, वो काम करने के बाद भी हमें सुनने को मिलता है। मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है, ऐसा होता रहता है, पर क्या करें, जब मेरे घर तो कोई है नहीं करने वाला, तो मैं ही अकेली हूँ, मेरी सासू माँ एजेड हैं, तो भाई मुझे तो खुद ही देखना है। हाँ जी, तो राम राम सभी को, और कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन रेजर मॉम शालनी पर, और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं कह रही थी कि सारे काम बहुओं को करने पड़ते हैं, तो ये बात तो सच है भाई। बहू का जो एक बहू नाम है ना, तो कुछ घर होते हैं जो बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं और कुछ घर होते हैं जो बहुओं को बहुओं की तरह रखते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जो बहू है उसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए और जो सास हैं उनसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। तो वो एक लड़की होती है ना, वो अपने मन में ही सोचती है कि ना हमने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं किया जितना हमें ससुराल में करना पड़ रहा है। तो मेरा मानना तो यह है कि मायका तो कभी अपना घर होता ही नहीं है, वो तो पराया घर होता है, घर तो अपना ससुराल ही होता है। वो होता है ना कि जब कोई गेस्ट आता है, मतलब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो हम उससे कभी काम नहीं कराते, बस वो बात अलग है वो अपने मन से कर ले, है ना। तो ऐसे ही तो मायका भी अपना घर होता, मतलब अपना घर नहीं होता है, वो बस एक रिश्तेदार का घर होता है जहाँ हम अपना बचपन व्यतीत करके आते हैं। तो बस इतना ही है कि
अगर आपने वो सुना होगा कि जैसे कि हम ठीक तो जग ठीक, और हम ना ठीक तो बिल्कुल जग भी ना ठीक। तो बस ऐसे ही है, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है और सब हमारी नज़र में अच्छे हैं। अगर हम सबको नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो सब नेगेटिव ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ। अगर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब